औद्योगिक नगरी पीथमपुर में पिछले दिनों स्वीकृत हुए तहसील भवन कार्यालय का आज सागौर में भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह तहसील कार्यालय का नवीन भवन लगभग 6,25,00,000 की लागत से लगभग 12 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पीथमपुर तहसील में 213 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें नगर पालिका पीथमपुर के 13 गांव भी शामिल है। तहसील कार्यालय की जमीन का चयन सोच समझ कर किया गया है, जिससे सभी 213 गांवों का मध्य बिंदु रहे। वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीथमपुर तहसील क्षेत्र में स्थायी तौर पर SDM की नियुक्ति की अनुमति भी सभा के दौरान मंच में दे दी गई। इसकी मांग धार विधायक नीना वर्मा द्वारा रखी गई थी। वहीं विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीथमपुर औद्योगिक में हुए अपने कार्यक्रम के दौरान ही तहसील कार्यालय के शिलालेख की विधिवत पूजन पाठ भी किया था। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। ये पीथमपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सौगात है, क्योंकि पीथमपुर को हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा जी ने 2 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा तहसील घोषित करवा ली थी और तहसील पीथमपुर अस्तित्व में आ गई थी। और इस तहसील में 213 गांव जुड़े हुए हैं और उसमें मांडव का जो क्षेत्र है उससे लेके जो नीचे ढाल तक है वो पूरा क्षेत्र 213 गांव पीथमपुर नगर पालिका के 14 गांव मिलाकर ये कुल मिला के एक तहसील बनी है पीथमपुर। और आज यहां पर माननीय विक्रम वर्मा जी, नीना वर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस भवन का जो सागौर जो है एक सेंटर पड़ता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से कनेक्टिविटी है तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है तो 213 गांवों के लिए स्थान का जो चयन हुआ है ये इसीलिए चयन हुआ कि पूरे गांवों की कनेक्टिविटी रहे। और आज करीब 6,25,00,000 की लागत से इस भवन का जो है भूमि पूजन किया और इससे पूरे तहसील के जितने भी गांव हैं ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ नगर पालिका क्षेत्र में तहसील का इतना कोई रेवेन्यू और राजस्व विभाग का काम नहीं है, लेकिन ये कार्यालय यहाँ खुलने से जो हमारे गांव हैं 213 उनको एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और इसीलिए आज ये भूमि पूजन हुआ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को और क्षेत्र की विधायक नीना वर्मा जी को बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमें तहसील के अस्तित्व के रूप में, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को आए थे, उन्होंने यहाँ पर SDM पोस्ट भी की घोषणा कर दी है कि यहाँ SDM की पोस्ट भी रहेगी और SDM का पद भी रहेगा, जिससे रेवेन्यू प्रकरणों में तेजी से निराकरण का लाभ किसानों को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलेगा। संजय वैष्णव, विधायक प्रतिनिधि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।